अमेरिका में जनाब इमरान खान को रात गुजारने का ठिकाना नहीं मिला है। हालत यह है कि पिछले एक सप्ताह से वाशिंगटन में दौड़े दौड़े फिर रहे पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने लाव लश्कर के साथ अमरीका के लिए भागे हैं। इमरान ने इन्हें अपने रहने खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान का ये वजीर आजम ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने के लिए अमेरिका भाग रहा है। इसके लिए 22 जुलाई को ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है, मगर पाकिस्तान के सामने बड़ी परेशानी यह खड़ी हो गई है कि अभी तक उसके देश के वजीर आजम के लिए रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अब हड़कंप की स्थिति बन गई है। पाकिस्तान ने आनन फानन में शाह महमूद कुरैशी को अमेरिका दौड़ा दिया है। इमरान को 21 जुलाई को अमेरिका निकलना है, मगर अभी तक भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यानी पाकिस्तान के खजाने के बहाने पाकिस्तान नंगा नहाने के नुक्ते तलाश कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने कहा है कि वाशिंगटन के होटलों में सभी लग्जरी सुइट पहले से बुक हैं, इसलिए उन्हें किसी अच्छे होटल में रूम मिल पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इसके लिए विदेश मंत्रालय स्वयं इसकी व्यवस्था करे। बड़ी बात यह है कि जब ऐसी यात्राओं पर हफ्ते भर पहले उच्च अधिकारी अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष के ठहरने की व्यवस्था करते हैं, पाकिस्तान की मदरसा जमात नमाज पढ़ने में व्यस्त है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि कंगाल पाकिस्तान के कंगाल पीएम इसी बहाने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में रुकने की कलाकारी कर रहे हैं, मगर यहां दिक्कत यह है कि यूएस की सीक्रेट सर्विस इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी दूतावास राजनयिक क्षेत्र में स्थित है, वहां अन्य देशों के दूतावास भी हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र वाशिंगटन के व्यस्त क्षेत्रों में आता है, जिससे यहां ट्रैफिक को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। अमेरिका में विदेशी नेताओं और प्रतिनिधियों के ठहरने का इंतजाम व्हाइट हाउस के समीप स्थित होटल में किया जाता है, ताकि उन्हें किसी अधिकारी से मुलाकात के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। होटल में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाती है, मगर इस वक्त इस होटल में कमरे मिलने में समस्या आ रही है, जिसके चलते इमरान की इस यात्रा पर गंजा होते ही ओले पड़ने की कहावत चरितार्थ हो गई है। पर यह असली मामला नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की करोड़ों रुपए खर्च वाली इस यात्रा के नाम पर ही उसे पसीने आ रहे हैं। इस यात्रा में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी इमरान खान के साथ जाने वाला है। इस प्रतिनिधिमंडल का पूरा खर्च पाकिस्तान के सरकारी खजाने से ही जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को अमेरिका से कोई बड़ी उम्मीद भी नहीं है। ट्रंप की मुस्लिम देशों के प्रति कठोर नीति भी पाकिस्तान के डर की एक वजह है। पाकिस्तान जानता है कि ट्रंप के द्वारा सत्ता संभालने के बाद ही पाकिस्तान के दूर दिन शुरू हुए। इसके साथ ही ट्रंप ने अब तक जितने भी कठोर निर्णय लिए हैं उनका निशाना मुस्लिम देश ही बने हैं। संभवतः पाकिस्तान का पीएम ट्रंप के इस स्वभाव को लेकर बेचैन है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के वजीर आजम की आने की कोई चर्चा भी नहीं है। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रीय या स्थानीय अखबार ने इमरान की यात्रा को अपनी किसी पेज के हाशिए पर भी जगह नहीं दी है। केवल इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रशासन भी इमरान खान की यात्रा को लेकर अधिक गंभीर नहीं है। जबकि भारत के पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो पूरा अमेरिका मोदी मोदी के नारों से गूंज उठता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जा जरूर रहा है, पर इसके सामने ट्रंप की झिड़की ज्यादा है। शायद उसी झिड़की का असर है जो पाकिस्तान ट्रंप को खुश करने के लिए हाफिज सईद के अलावा अन्य इस्लामी आतंकवादियों पर धड़ाधड़ कार्रवाई कर रहा है। मतलब पाकिस्तान ट्रंप की पीठ पर घी लगाकर उस पर फिसलने के तरीके इजाद कर रहा है। पर यह पाकिस्तान है, घर में नहीं दाने अमेरिका में चला भुनाने। इस भीख मंगे मुल्क की हालत इमरान की यात्रा पर दिखाई दे रही है। 3 दिन का वक्त बचा है, पर इसके लिए आसियाना नहीं मिल पाया है। आसियाने के लिए डॉलर चाहिए, जो इसके पास नहीं है। यानी अब सवाल यह नहीं है कि इस भिखारी आजम को कहां ठहराया जाएगा, सवाल यह है कि पाकिस्तानी दूतावास में यह खाना खुद बनाएगा या पाकिस्तानी राजदूत से बनवाएगा, क्योंकि ऐसा करने से इस पर बढ़ते कर्ज में कुछ कमी जरूर आ सकती है और इमरान खान की पैसा बचाने की कड़ी में यह उपलब्धि भी शामिल हो सकती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।